दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आप सभी ने दार्जिलिंग का नाम को सुना ही होगा। कई लोगों को दार्जिलिंग के अस्तित्व को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम दार्जिलिंग के इतिहास और उसके अस्तित्व के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप लोगों से निवेदन है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दार्जिलिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, दौर्जी अर्थात आकाशीय बिजली, लिंग अर्थात जमीन। दोस्तों सभी को पता है कि दार्जिलिंग भारत के राजनीतिक दायरे में आता है, परंतु दोस्तों इसके सीधे सीधे तार नेपाल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को यह भी बताया है कि दार्जिलिंग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि और 1950 की भारत नेपाल मैत्री संधि दार्जिलिंग के अस्तित्व को सीधे चैलेंज करती है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सुगौली संधि से पहले नेपाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसमें कालिम्पोंग, सिक्किम के दो तिहाई क्षेत्र और दार्जिलिंग तक थे, सुगौली संधि के पश्चात यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया। इसके साथ ही 1817 की तितालिया संधि के अनुसार ब्रिटिशर्स ने यह क्षेत्र पूरे सिक्किम को दे दिया और इस पे पूरा का पूरा कंट्रोल एक प्रकार से सिक्किम को आ गया था। परंतु शायद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में पहले से ही चोर था दोस्तों, जिस हिसाब से उन्होंने इस दार्जिलिंग क्षेत्र को सिर्फ एक अपने ही मजाक मस्ती के लिए और अपने रिलैक्सिंग स्पॉट के लिए ही यूज में लिया, जो कि सरासर देखा जाए तो तितालिया संधि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्किम के बीच में हुई थी 1817 की, उसका पूर्णतः वायलेशन था। कायदे से यह क्षेत्र सिक्किम को मिल जाना चाहिए था, परंतु यह सिर्फ डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में ही रहा। तो सिक्किम और तितालिया की संधि से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इन सभी संधि को देखते हुए, चाहे वो सुगौली संधि हो चाहे वह तितालिया की संधि हो, इन सभी संधियों पर अगर गौर किया जाए तो दार्जिलिंग के अस्तित्व पर वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि यह भारतीय क्षेत्र है। परंतु इस परिदृश्य को देख करके ऐसा समझ में आता है कि अगर तत्कालीन समय के भारतीय राजनेता ने अगर इस क्षेत्र को ब्रिटिशर्स के जाने के बाद अगर डायरेक्टली नेपाल को हस्तांतरित कर दिया होता तो शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। दोस्तों इन दोनों परिदृश्य में देखा जाए तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है और नेपाल का भी फॉल्ट है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया या उस चीज़ को सही तरीके से टेबल पे बात नहीं रख पाया, बात नहीं कर पाया। और ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये अपने आप में ही दोस्तों जांच का विषय है, इसमें प्रॉपर रिसर्च और जांच होनी चाहिए। तो मेरा काम है आप सभी के सामने सच लाना। दोस्तों यह भी समझने वाली बात है कि दार्जिलिंग में मेजोरिटी ऑफ पीपल नेपाली भाषी लोग हैं, जो कि नेपाली भाषा बोलते हैं और साथ ही साथ नेपाली कल्चर को ही फॉलो करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जब ब्रिटिशर्स भारत से जाने लग गए तो लगभग 565 रियासतों को 3 अधिकार लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी के अनुसार मिला। यह वह कानून था जो अंग्रेजों ने 565 रियासतों के साथ एग्रीमेंट के आधार पर, संधियों के आधार पर किया था। स्वाभाविक सी बात है, जब अंग्रेज लोग जाने लग गए तब यह संधि खारिज होने की स्थिति में आ गई, जिसे लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सारे राजे रजवाड़ों को लगभग 3 अधिकार प्राप्त हुए, जिसके अनुसार वह चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या वह चाहे तो अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में बना सकते हैं। परंतु दोस्तों यह स्थिति दार्जिलिंग से रिलेटेड क्षेत्रों पर लागू क्यों नहीं हुई, यह अपने आप में ही खोज का विषय है। जाए तो यह दार्जिलिंग क्षेत्र एक प्रकार से भारतीय संघ में ही रहना, यह एक प्रकार से ही यह अपने आप में ही एक औपनिवेशिक शासन, जो कि कॉलोनी रूल को रिप्रेजेंट करता है, उसे दर्शाता है। दोस्तों दार्जिलिंग में पहली चिंगारी तब फूटी जब 1950 में भारत और नेपाल के बीच में मैत्री समझौता हुआ और 1980 के दशक में यह गोरखालैंड आंदोलन इस शीर्षक के साथ आगे बढ़ा कि भारतीय गोरखाओं का भविष्य जल रहा है। इस शीर्षक से यह आगे बढ़ा और इस आंदोलन का नेतृत्व गोरखा नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट के नेता सुभाष किशिंग ने किया। इसके साथ ही सुभाष किशिंग ने नेपाल के तत्कालीन राजा वीरेंद्र बीर विक्रम शाहदेव को डायरेक्ट पत्राचार के माध्यम से लेटर लिखा और इसमें उन्होंने दार्जिलिंग भारत का हिस्सा है, इसका कोई वैधानिक प्रमाण नहीं है, यह उल्लेख किया
परंतु राजा के द्वारा कोई भी उत्तर सुभाष किसिंग को नहीं पहुंचा दोस्तों। साथ ही सुभाष किसिंग ने तत्कालीन नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को भी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सेम सिचुएशन को बताया कि दार्जिलिंग भारत का हिस्सा नहीं है, यह इसका कोई प्रमाण भी नहीं है कि भारत का ही हिस्सा है, परंतु राजनेताओं के द्वारा गिरिजा प्रसाद कोइराला के द्वारा कोई भी पत्राचार व्यवहार नहीं किया गया। इसके साथ ही कोई भी उत्तर सुभाष किसिंग को नहीं भेजा गया। सुभाष किसिंग जी ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भी पत्र लिखा, परंतु उनके द्वारा भी कोई उत्तर इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। इन सब चीजों से निराश होते हुए सुभाष किसिंग जी ने अंततः भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भारतीय संविधान के आर्टिकल 13C के अंतर्गत रिट पिटीशन 704/1994 मुद्दा डाला। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं, यह पिटीशन आपको नेट पे खोजने पे भी नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों है यह अपने आप में ही जांच का एक सब्जेक्ट है, परंतु इसके बाद ही 25 नवंबर 1994 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए यह कहा कि यस दिस इज अ पॉलिटिकल इशू, जिसके मायने यह है कि इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। यह अगर सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कर देती तो यह संवैधानिक रूप से ही दार्जिलिंग क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं कहलाया जाता। तो इससे पड़ला झाड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली यह कह दिया कि यह एक राजनीतिक इशू है, इसे दोनों देश की राजनेता मिलकर के बैठ करके बात करें तो ही अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का जजमेंट दोस्तों, जो कि साफ साफ यह कहता है कि यस दिस इज अ पॉलिटिकल इशू, यह साफ साफ दर्शाता है कि दार्जिलिंग कभी भी भारत का हिस्सा नहीं हुआ, इसके कोई वैधानिक प्रमाण नहीं है। पर यह इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा कहा गया, जो कि इस स्थिति को पूरी तरीके से परिभाषित करता है, जिसे हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है। दोस्तों इसके साथ ही सुभाष किसिंग जी ने 1950 के उस भारत और नेपाल मैत्री संधि के धारा 7 पर सवाल उठाए, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि दोनों देश की सरकारें अपने अपने लोगों की एक दूसरे की जनता के पूर्णता अधिकार का संरक्षण करेंगे और उन्हें हर वह सुख सुविधा देंगे जो उनके नियम कानून के अनुसार उन्हें अधिकार दिए जा सकते हैं, और ये देना भी चाहिए। तो जहां तक सुभाष किसिंग जी का इस प्रकार का विरोध इस संधि के धारा 7 को लेकर के था, वो वाजिब भी है दोस्तों, क्योंकि बंगाल सरकार ने कभी भी दार्जिलिंग में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हर प्रकार के मुद्दों पर कभी भी काम नहीं किया, जिससे वहां पे किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। और जनता इस प्रकार का विरोध कर रही है और वो चाह रही है कि सरकार ने हमें कानून अनुसार अधिकार नहीं दिए हैं और उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप में एक स्टेट की मांग कर रहे थे, जो कि देखा जाए तो सही है दोस्त। और उन्हें बंगाल सरकार ने एक प्रकार से दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया था, जो कि बहुत गलत बात है दोस्तों। और बंगाल सरकार के द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट उन्हें नहीं दिया गया, और जो भी मांग वो अपने हित के लिए, अपने स्वतंत्र डेवलपमेंट के लिए करते गए, और भारत के लिए उनके जो भी अतुल्य योगदान थे गोरखा समाज के, उन्हें नजरअंदाज करते हुए उनके 1980 के गोरखालैंड मूवमेंट को बहुत ही बर्बरता पूर्वक दबाया गया दोस्तों। तो जैसा कि आज हम देख रहे हैं, सुभाष किसिंग जी के द्वारा गोरखा नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट आज कई खेमों में बढ़ गई है, और वे सब गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को ना मानते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार को, एक ही उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, जल्द से जल्द उनके लिए गोरखालैंड बनाया जाए, यही उनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का एक आधार होगा मेरे ओपिनियन की। दोस्तों यह बात तो कंफर्म है कि 1816 की सुगौली संधि अनुसार जो भी क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चले गए थे, इन सभी का भारतीय संघ में कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं है। और दोस्तों इन सभी संधियों को अगर देखें तो इन सारी संधियों का उत्तरदायी ब्रिटेन है, और मेरा ऐसा मानना है कि ब्रिटेन ने काफी हद तक साउथ एशिया को अनस्टेबल करने की कोशिश की है दोस्तों, जिसमें से इन सारे रीजन में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम बात करें भारत के पर्सपेक्टिव से देखने की, तो भारतीय संघ में अगर भाषा के आधार पर कई राज्य हैं तो गोरखालैंड क्यों नहीं। मेरे हिसाब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपने अहंकारी बर्ताव को त्यागते हुए गोरखाओं के डेवलपमेंट के लिए गोरखालैंड की मांग को मान लेना चाहिए, अन्यथा यह आंदोलन कभी न कभी एक उग्र रूप जरूर धारण कर सकता है दोस्तों। अगर बात करें नेपाल के परिदृश्य से देखने की, तो नेपाल ने अगर दार्जिलिंग की मांग पहले ही कर ली होती तो शायद आज हमारे गोरखा भाइयों को
इस प्रकार के कष्ट और दमन का सामना नहीं करना पड़ता। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेपाल इस दार्जिलिंग के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं फेल जरूर हुआ है। उसे सही तरीके से इसमें इन्वॉल्व होकर के प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए थी वैधानिक रूप से, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट पे लिख के जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको और सवाल करने हैं मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो दोस्तों फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।